मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्राई बार खरीदने के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये मेरे पास फ्राई बार हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो किस किस्म की फ्राई बार आपके पास होनी चाहिए। ये मेरे पास एक फ्राई बार है। इस फ्राई बार के अंदर आप देख रहे होंगे ये इसका एक ख़ास एंगल होता है। ये वाला ये हमेशा सेम रहता है क्योंकि ये मुड़ नहीं सकता। तो इसमें होता क्या है, जब आप किसी मशीन पे काम कर रहे होते हैं, मैं आपको यहाँ मिसाल दिखा रहा हूँ, तो अगर आप इसको उठाना चाहें तो ये हमेशा एक ख़ास एंगल के ऊपर होता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कि इसका हमेशा एक एंगल होता है। अब मिसाल के तौर पे तो ये ऊपर नहीं जा सकता, और अगर यहाँ से मैं तो ये नीचे नहीं जा सकता क्योंकि इसका हमेशा एक एंगल होता है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आज मैं एक नई फ्राई बार खरीद के लेकर आया हूँ, तो उसकी वजह क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्राई बार जो कि मैं आज लेकर आया हूँ, अच्छा जी, ये है फ्राई बार जो कि मैं आज लेकर आया हूँ। इस फ्राई बार के अंदर जो फ़ायदा है वो ये है कि इसका आप ये एंगल देख रहे होंगे कि इस एंगल को मैं यहाँ से दबाऊँ इस तरह, तो ये मैं इसको जिस एंगल पे भी चाहे इसको मोड़ सकता हूँ। ये देख रहे होंगे आप, इसको मैं ये हो गया, इसको किसी भी एंगल पे आप इसको इस तरह करके अपनी मर्जी के हिसाब से मूव कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको दबाएं यहाँ से, ये इसको अगर आप यहाँ दबाएंगे तो आप इसको जितनी दिल चाहे लंबी कर लें। तो आप ये देख रहे हैं कि ये कितनी लंबी भी हो गई, तो इसको आप अपनी मर्जी से जो है किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सबसे पहले तो मैं छोटा करता हूँ, तो मैंने ये छोटा करा, और ये अगर यूं करके आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको दबा के इसका रुख नीचे मोड़ दूंगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इस शेप में आ गई। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं और नीचे कर लूँ तो ये यहाँ पे आ गया, इस तरह मैं इसको उठा सकता हूँ। तो ये ऐसा नहीं होगा जैसा कि इसमें हो रहा है कि इसका एक ही एंगल होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें ये हमेशा से यहीं आके फंसेगा। तो मैं इसको जो है अपने अंदाज से मूव कर सकता हूँ। इसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग प्राई बार। तो याद रखिएगा ये कहलाती है इंडेक्सिंग प्राई बार। जब आप बड़ी बड़ी मशीनों पे काम कर रहे होते हैं तो आपको ज़रूरत पेश आती है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।